हेलो स्टूडेंट्स, आइसोमेटिज्म वीडियो सीरीज के इस 6th एपिसोड में मैं राजीव शर्मा सिन एंटी आइसोमेटिज्म डिस्कस कर रहा हूं। इससे जो प्रीवियस वीडियो था, 5th एपिसोड था जो आइसोमेटिज्म सीरीज का, उसे मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेटिज्म के सिस ट्रांस और ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सिन एंटी आइसोमेटिज्म क्या होता है। पहले देखते हैं कि किस किस मॉलिक्यूल पे सिन एंटी पॉसिबल है और उसके बाद उसको देखते हैं कि किस तरह से आइसोमेरिज्म को हम कर सकते हैं। तो जो सिन एंटी आइसोमेरिज्म है वो बेसिकली दो सिस्टम्स हैं जिसपे प्रिडोमिनेटली अकर करता है। पहला हो जाएगा ऑक्साइम और सेकेंड हो जाएगा एजो। तो ऑक्साइम में क्या हो जाएगा कि ऑक्साइम सिस्टम जो हो जाएगा उसमें बेसिकली कार्बन के साथ नाइट्रोजन बॉन्डेड होगा और नाइट्रोजन पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। जो सेकेंड हमने एजो सिस्टम बोला है ये यूजुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स पे होगा, क्योंकि जो एजो ग्रुप बनता है वो यूजुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें दो एरोमेटिक रिंग्स हो सकते हैं या एक एरोमेटिक रिंग और एक उसके बाद एलिफैटिक भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब कई बार स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कार्बोनिल ग्रुप भी sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है पर उस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिन एंटी क्यों नहीं अप्लाई हो सकता। तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे दोनों जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि मैंने पहले ही पिछले जो 5th एपिसोड है उसमें डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो बेसिक कंडीशन है उसमें एटलीस्ट एक ग्रुप दोनों एलिमेंट्स पे सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि, और उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि यदि एक ही एलिमेंट पे दो ग्रुप सिमिलर हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट करेगा। तो वही यहाँ पे अप्लाई होगा कि दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, तो क्योंकि वो एक ही ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे हम इस पे सिन एंटी या कोई भी टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं यूज कर सकते। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि जो ऑक्साइम है वो ऑक्साइम की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अब ऑक्साइम जो है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन को हम करस्पॉन्डिंगली हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कराएंगे तो जो होगा एल्डिहाइड जो होगा वो एल्डोक्साइम दे देगा, डेरिवेटिव है, और कीटोन जो है कीटोक्साइम डेरिवेटिव दे देगा। तो ये इस तरह से बेसिकली ऑक्साइम हमारा फॉर्म होगा। अब देखते हैं कि ऑक्साइम में हम किस तरह से सिन एंटी आइसोमेरिज्म यूज करते हैं। अब जो ये इस तरह से आ जाएगा, जैसे एल्डोक्साइम का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब इस एल्डोक्साइम के एग्जाम्पल में क्या है कि जो हम बाइसेक्टिंग प्लेन लेंगे, और ये वही है जो मैंने लास्ट 5th एपिसोड में आपको डिस्कस किया था कि हम जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम होगा या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम होगा, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसकी शेप जो हो जाएगी प्लेनर हो जाएगी और जो पाई बॉन्ड होंगे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। तो उसमें क्या होगा कि, और यदि आप इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जब हम इसको बाइसेक्टिंग पाई बॉन्ड के थ्रू इसको बाइसेक्ट करेंगे तो यदि हाइड्रोजन और अल्कोहल एक साइड पे ही आएंगे बाइसेक्टिंग प्लेन के तो हम उसे सिन कह देंगे, पर यदि हाइड्रोजन और अल्कोहल ऑपोजिट साइड ऑफ द बाइसेक्टिंग प्लेन हो जाएंगे तो हम उसे एंटी कहेंगे। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि इसको हम CIP रूल्स यूज करें कार्बन पे और प्रायोरिटी डिसाइड कर ले तो जो लोअर प्रायर ग्रुप होगा उसके साथ यदि OH ग्रुप लाई कर रहा है तो हम उसको सिन कह देंगे और उसके ऑपोजिट साइड पे हो जाएंगे तो उसको एंटी कह देंगे। तो इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखें कि यदि कीटोक्साइम में हमने देखना है किस तरह से होगा, तो कीटोक्साइम में बेसिकली वही रूल CIP रूल्स यूज करके ही हम करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है और इथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब क्या होगा, मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों एक साइड पे प्रेजेंट है तो इसको हम कह देंगे सिन, और जब OH और मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड ऑफ द बाइसेक्टिंग प्लेन हो जाएंगे तो हम उसको एंटी कह देंगे। वैसे ही जब एजो ग्रुप है तो एजो ग्रुप में भी क्या हो जाएगा कि यदि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि एक साइड पे ही आ जाएंगे बाइसेक्टिंग प्लेन के तो हम उसे कह देंगे दैट इज सिन, और यदि ऑपोजिट साइड ऑफ द बाइसेक्टिंग प्लेन होंगे तो हम उसे एंटी कह देंगे। तो इस तरह से सिन और एंटी स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं पॉलीन्स, और पॉलीन्स यदि हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो उसमें से कितने आइसोमर्स यदि पूछे हो तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसका शॉर्टकट क्या तरीका हो जाएगा। पॉलीन का मतलब ये हो जाएगा कि जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको हम पॉलीन्स कह देंगे। अब पॉलीन्स में दो केसेस बन सकते हैं। एक हो जाएगा कि जिसमें
दोनों जहां पॉलीन के टर्मिनल कार्बन एटम आ रहे हैं उसके पास, उसके बाद जो दो हाइड्रोजन की जगह या और कोई ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन के अलावा और कोई ग्रुप लगे हैं, ये हो जाएगा कि दो केसेस हो सकते हैं कि या तो वो सिमिलर ग्रुप्स होंगे या वो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। तो मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है वो है डिफरेंट ग्रुप्स का। अब यदि जैसे इसमें पॉलीन जो है इसमें एक तरफ फिनाइल ग्रुप है एक तरफ क्लोरीन ग्रुप है, तो यदि इस तरह से हमें पॉलीन दी है तो और इसके हमें टोटल आइसोमर्स पूछे हुए हैं कि इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, तो इसमें जो हम टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालेंगे वो हो जाएगा 2^n। तो 2^n के हिसाब से निकालेंगे। अब हमारे पास जो मैंने पॉलीन बनाई है उसमें तीन डबल बॉन्ड्स हैं, तो जो n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो जाएगा, तो 2^3 कर देंगे या 2³ कर देंगे तो हमारे पास टोटल 8 आ जाएगा। तो यदि इस पॉलीन के हम टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए तो 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि यदि सेकेंड केस जिसमें दोनों जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो सेम हैं, यदि दोनों टर्मिनल ग्रुप सेम होंगे तो अब उसमें क्या हो जाएगा, दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस ये हो जाएगा कि जो डबल बॉन्ड्स हैं वो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। अब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, जो फॉर्मूला यूज करेंगे इट इज 2^(n-1) प्लस 2^(n/2-1)। तो इस फॉर्मूला को यूज करके करेंगे। अब जैसे मैंने इस जो पॉलीन बनाई है इसमें बेसिकली चार डबल बॉन्ड्स हैं, इसको या मैं टेट्राइन भी कह सकता हूं, तो क्योंकि चार डबल बॉन्ड है तो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो यदि मैं इस फॉर्मूला को सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2^3 एंड 2^1। तो टोटल जो आइसोमर्स हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल, वो 10 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिमिलर ग्रुप्स हैं साइड पे, वही कंडीशन है कि सिमिलर ग्रुप हैं पर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑड है। तो जब डबल बॉन्ड ऑड नंबर होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है ये ट्राइईन है, तो ट्राइईन के केस में जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इट इज 2^(n-1) प्लस 2^(n+1/2)-1। तो अब इसको यदि हम इसमें n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करें और इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला को सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। जेई की प्रिपरेशन के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए या सीबीएसई की प्रिपरेशन के लिए आप कोई मटेरियल तो नहीं ढूंढ रहे हैं, यदि मटेरियल ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है उसे चेक करो। उस लिंक के थ्रू आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और ये सब मटेरियल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। आप कहीं मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे, यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखो कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस टिक करना है। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।